When he reached the age of 50, जब 50 साल का हुआ, he became the doyen of the staff, authority, leader बन चुका था, अभी तक chips chips है, इदारा इदारा है, एक नहीं हुए हैं. When chips reached the age of 60, जब 60 साल का हुआ था, he was Brookfield in himself, खुद Brookfield बन चुका था. मतलब क्या? He had lost his identity for Brookfield. उसने अपनी likings, dislike, पसंद, नफरत, सब कुछ, even अपनी शख्सियत, अपनी गमियां, खुशियां किसके लिए कुर्बान कर दी थी? Brookfield के लिए कर दी थी. आओ पहला चैप्टर. वेदरबाय ने पहले दिन कहा था कि चिप्स, give your enthusiasm to Brookfield and Brookfield would give you something in return. Brookfield पे जान मार नहीं, बदले में Brookfield तुझे बहुत कुछ देगा. आज इतना कुछ मिल चुका. 14वें चैप्टर ने आपको बताया कि 13वें में जब रिटायरमेंट के बाद चैट्रस वेंट टू मिसेस विकेट्स, चैट्रस मिसेस विकेट के घर में गया. He requested Mr. Chips to rejoin Brookfield. दोबारा आ जा, तेरे बगैर संभाला नहीं जा रहा. और 14वें चैप्टर में लाइन आती है, For the first time he felt necessary. जिंदगी में पहली मर्तबा चिप्स को अपनी अहमियत का अंदाजा हुआ था. Necessary to something that was nearest his heart. पहली दफा अंदाजा हुआ, आज मैं भी उस चीज की मजबूरी बन चुका हूँ जो चीज मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है. मतलब क्या? पहले इदारा अलहदा था, चिप्स अलहदा था, अब ये एक हो चुके हैं. तू ले मिट्टी की इटली, गूंद उसको पानी से, उसके दो बुत बना, एक बुत हो तेरा, एक बुत हो मेरा, फिर बुत शिकन बन के तोड़ डाल उन दोनों बुतों को, फिर ले पानी, गूंद मिट्टी, फिर दो बुत बना. अब तेरे वजूद का कुछ हिस्सा मेरे वजूद में, मेरे वजूद का कुछ हिस्सा तेरे वजूद में, ऐसी इसकी कोई ताकत जो तुझे मुझसे जुदा कर सके. ये बॉन्ड इतना मजबूत बॉन्ड बन चुका था कि जो अब तोड़ा नहीं जा सकता था. अगर चिप्स अलहदा होता तो कैथी की डेथ पे चिप्स क्लास बिल्कुल भी ना पढ़ाता. लेकिन चिप्स का सब कुछ क्या था? Brookfield था, खुशियां गमियां. जब बंदा एक हो जाए तो फिर बंदा सब कुछ. वो मैंने सुनाया अबुल मुगीस अल मंसूर बिन हलाज, आफ्टर स्पेंडिंग 11 इयर्स इन बगदाद प्रिजन, बगदाद की जेल में मंसूर ने अबुल मुगीस अल मंसूर बिन हलाज 11 साल गुजारने के बाद, when he was being taken to the gallows, जब फांसी के फंदे पे ले जाया जा रहा था, आप जैसे ने पूछा, ओए मंसूर, what is love? मोहब्बत क्या होती है? उसने स्माइलिंग फेस से कहा, come and see, आज देख मोहब्बत क्या होती है. मंसूर was hanged, लटकाया गया. लटकाने वाले भी मुसलमान, लटकने वाला भी. अनल हक का नारा कहता था, मैं हक, हक अल्लाह का नाम है. लोग समझने वाले समझे नहीं, दीवाने पागल लोग. ठीक है, उन्होंने कहा अपने आप को अल्लाह कह रहे हैं, काफर का कुफर का फतवा लगा दिया. अब्बासियों ने मारने लगे, अब देखना कैसे मारा. पांव यूं सीधा लटका, पहले लेफ्ट पांव की उंगलियां काटी जा रही हैं ब्लड के फुहारे. एंड मंसूर फिर भी समाई दे रहा था, अनल हक, अनल हक. मतलब क्या? फिर राइट पांव की काटी जा रही है, वो फिर भी कह रहा था अनल हक. फिर हाथों की उंगलियां, फिर टांगे कटर से काटी जा रही है, वो फिर भी कह रहा था, स्माइल
दे रहा था, वजह क्या थी? वजह समझने वाला समझा नहीं था कि मंसूर had neglected himself, उसने अपनी जात अपनी ख्वाहिशात सबकी क्या कर दी थी, नफी कर दी थी, और जो नफी कर रहा था किसके लिए? अपने रब के लिए। तो रब फिर उसको यूं तन्हा छोड़ देगा? हमें सुई चुभे हुई करते हैं। वो समाइल दे रहा था, समाइल क्या है? फेथ इज लाइफ। अब्राहम फेथ लव को कहते हैं, लव मोहब्बत होती है। और मैं अगले दिन भी कह के गया, मोहब्बत एक से होती है, या अपनी जात से कर लो या महबूब से कर लो। अपनी जात से करोगे फिर मोहब्बत मोहब्बत नहीं है, उजड़ना होता है। बड़ा इश्क इश्क तो करता है, कभी इश्क का गुंजन खोलते सही, तन मिट्टी विच ना रोल देवे तो बोल प्यार दे बोलते सही। सुख घट ते दर्द हजार मिलन, कभी इश्क नू तकड़ी तोलते सही, तेरी हस्ती अख भी पिछ जावे कभी सानू अंदरों बोलते सही। जो इश्क समंदरे खुद जांदा फिर डूबना की थे करना की, वो अपनी जात नफा नुकसान नहीं देखता, फिर वो छलांग लगाता है, लाइन आती है फेथ इज लाइफ। अब्राहम एट द स्टेक यकी मिसले खलील, अब तश नशीनी तेरे इश्क ने अल्लाह धू कीता, असा कर बिस्मिल्ला धू कीता। धू मीन्स जंप इन टू फायर। अब्राहम वॉज गिवन चॉइसेस, जान बचा ले आ गया जिंदगी है। जात की जब नफी की, जब मोहब्बत जिसके साथ थी महबूब के साथ एक हुआ, हुक्म हुआ कुल्ला या नार कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। प्रॉपर्टी आग की जलाना थी, जलाया हमने, हुक्म दिया ठंडी हो जा, इतनी भी नहीं कि ठंड लगे, व सलामा सलामती वाली हो जा। जब पता चला मोहब्बत करने वाला और जब उसका महबूब एक हो जाए, यही जिंदगी है, यही मुकद्दर है, यही सब कुछ है। और चिप्स के 14वें चैप्टर में बताया कि देयर इज नो सबलाइमर फीलिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में इससे बड़ी आला सोच नहीं हो सकती। जब महबूब की मजबूरी आप बन जाए मतलब क्या, जब महबूब का गुजारा मोहब्बत करने वाले के बगैर ना हो। इसलिए उन्होंने गुड नाइट नहीं कहा, गुड नाइट उसको कहते हैं जिससे आप जुदा हो जाते हैं। पूरे नॉवल का सत्या नाश हो जाएगा अगर आपने गुड नाइट जो है वो मान लिया। वो क्लियर है? They did not disturb him to say good night, but in the morning, as the school bell sounded for breakfast, लेकिन जब सुबह के वक्त स्कूल की घंटी नाश्ते के लिए बजी, क्या हुआ? Brookfield had the news, खबर आपकी तरफ फैल गई। Brookfield will never forget his lovableness, said called Troy in a speech to the school. Brookfieldians इकट्ठे, ये क्या चक्कर है, इतनी अहम शख्सियत और रात को नहीं बताया, सुबह बच्चों को बताया जा। जी सोए पड़े थे, जंग ला दिते ने बड़े दबावा, ठीक है ना? दोबारा लाइन को मैं गौर करें, जब रास्ते की घंटी न सॉल की बजी, नाश्ते पे गए, असंबल हो गया, इकट्ठे हो गए। कार्ट राइट थोड़ा सा आगे हुआ, कार्ट राइट ने उसकी डेथ की अनाउंसमेंट की है कि ब्रुकफील्ड उसकी लवेबलनेस फ्रेंडलीनेस जो एमिएबली होता है, एमिएबल AMIABLE अफेक्शन प्यार, ब्रुकफील्ड कभी भी भुला नहीं
नहीं पाएगा। इसका मतलब अनाउंसमेंट सुबह हो रही है, डेथ तो शाम को ही रात को जी। क्यों नहीं खबर फैलाई गई, कुटिया क्यों रखा गया है? वाकई भाई चला उमड़ आना, ग्यारह चैप्टर में देखा देखा सिर्फ इतना सुना में राष्ट्र ने इस्तीफा मांगा है, इकट्ठे हो गया सारे। तो ये तो मौत, वो बच्चे संभाले जाने अंधे बेहो, रात का टाइम है, अंधे बेहोश होने थे, अंधे रोने थे, अंधे कुछ होना था, अंधे पागल हो जाने थे, जुनूनी हो जाने थे, जुनूनी होके हो सकता तोड़ फोड़ हो जाए। रात का टाइम है, संभालना कैसे है, कुपिया रखा। सुबह हुई तब अनाउंस किया, क्योंकि बच्चों का प्यार इतना था, विच वॉज एब्सर्ड, जो फुलिश बात थी। ये जो कार्ट राइट ने, अब जेम्स हिल्टन खुद आ गया है, कार्ट राइट ने ये जो कहा है, उसके प्यार को कभी नहीं भुलाया जाएगा, ये स्टुपिड बात है। स्ट्रेंज भी एब्सर्ड का मानी होता है, बिकॉज ऑल थिंग्स आर फॉरगॉटन इन द एंड, वक्त के साथ साथ सब कुछ भूल जाता है, सगे बाबा लोग बुला देते। बट लिनफोर्ड एट एनी रेट विल रिमेम्बर, सब भूल जाएंगे, लिनफोर्ड याद रखेगा और कहानी दूसरों को बताएगा कैसे। आई सेड गुड बाय द नाइट बिफोर, मैंने चिप्स को गुड बाय कहा था, इसलिए डेथ हो गई। सवाल मेरा ये है, कैथरीन सेड गुड बाय, कैथरीन ने गुड बाय कहा था, पांचवें चैप्टर में मिल गया।